बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो आज के दिन का जो आगाज़ है वो हो चुका है। आज हमारी है तकरीबन चांद रात और आज की तारीख में हमें बहुत सारे काम हैं, जैसे कि अभी हमने बच्छा भी लेना है, यानी बड़ा अभी हमने लेना है, एक और कुर्बानी चंदू तो हमने लिया हुआ है, लेकिन अभी हमने बड़ा भी लेना है। और आज की तारीख में एक और हमें एक बहुत ज़रूरी काम है, वो ये है कि हमने ब्रदर इन लॉ को ईद देने जानी है। जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था कि वो ईद देने आए थे मेरी सिस्टर को, तो अब हमने ईद देने जानी है उनको। तो सबसे पहला काम सुबह का यही है कि मैंने चंदू को जो है उसका ब्रेकफास्ट डाल दिया है, पानी उसके पास है, और चूज़ों को भी उनका ब्रेकफास्ट डाल दिया है मैंने। अब ऊपर जाके आप लोगों को बाकी सारे काम दिखाती हूँ मैं कि क्या क्या काम करने वाले हैं। अभी जो बास्केट लेके जानी है ईद वाली, वो भी अभी रेडी करनी है, तो उसकी तैयारी भी आप लोगों को मैं ऊपर जाकर अभी दिखाती हूँ। और पहले आप लोग वो वाला, तो जी ये हैं जी तैयारियाँ हमने थोड़ी सी की हैं। ये एक पेंट शर्ट हमने ली है, ये और ये है जी परफ्यूम, ये भी आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। ये एक परफ्यूम लेके आए हैं हम, और ये है जी वॉयलेट, और साथ में ये है जी एक शूज़, ये तो ये सारी चीज़ें हैं। ये अभी हमने इसके अंदर करनी है जी पैक, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे कैसे इसको पैक करते हैं आप। तो पैकिंग जो है वो हम शुरू करते हैं अब। हम भूल गए थे ये जी, जो मेरे ब्रदर इन लॉ है, यानी जो मेरा कज़न है वलीद, उसको ये सेवियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो स्पेशल मामा ने और मेरी सिस्टर ने उसके लिए ये सेवियाँ पैक की हैं। तो अब ये भी उसको साथ में भेजेंगे, ये भी उसकी ईद का हिस्सा है, क्योंकि बड़ी ईद हो या छोटी ईद हो, सेवियों की ईद होती है, सेवियाँ ज़रूरी हैं, तो अब इसके अंदर ये भी पैक कर देंगे। तो जी फाइनली जद्दोजहद और कोशिशों के बाद हमने कुछ इस तरीके से इसको डेकोरेट किया है, हमें तो अच्छा लग रहा है, अब पता नहीं कैसा लग रहा है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना जी। हम हो गए हैं जाने के लिए जी रेडी, हमने जो चीज़ें रास्ते से लेनी थी, फ्रूट्स वगैरह, वो भी ले ली हैं, और हम जाने के लिए हैं जी रेडी। अब हम बस जा रहे हैं, तो आप उधर पहुंचते हैं, जाते हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं हम। तो जी फाइनली जी हम लोग पहुंच गए हैं जहां हमने पहुंचना था, अब इधर बैठे हैं, लवाज़ वगैरह खा, माशाल्लाह बहुत प्यारा, ये लग भी अभी छोटा छोटा रहा, देखो ना बाल पूरे नहीं इसके पार आए, हाँ बिल्कुल नंगा था, माशाल्लाह बहुत प्यारा है। अंसा अपने हाथ से इसको खिला के पार के दिए, हाँ जरूर उसने अंडे दिए, नहीं माशाल्लाह प्यारा है, फिर भी इतना बड़ा हो गया है ना। माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, तो ये सारे पैरेट्स हैं, ये इन्होंने रखे हुए हैं। तो जी इस टाइम हमने चंदू जी को बाहर निकाला है और बाहर बांधा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आज इसका लास्ट डे है हमारे पास, कल जी इंशाल्लाह कुर्बान हो जाएगा, तो अभी इस टाइम वो खाना खा रहा है। तो जी यहाँ पर हो रहा है जी वेड़े का इंतज़ार, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वेड़ा भी ले लिया है।
कल सामने बंद हो तो भी नजर आएगा। खैर मुबारक ओके पक्का करके बानी सीना आ गया तैयब निकल। तो जी इस टाइम जो हमारा बेड़ा है इस टाइम फुल ऑन टाइम वो कूद रहा हुआ है, बिल्कुल किसी की भी नहीं सुन रहा। और सबका यहाँ पर ना इसको बुरा हाल हो गया, इसको संभालते संभालते माँ लोडर से उतारते हुए बहुत मुश्किल से बचाई, नहीं तो ये भागने लगा था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने कुर्बानी के जो जानवर है वो ले लिए हैं, अब कल जी ये लोग कुर्बान हो जाएंगे। और जी हमारा जो वैरा इस टाइम फुल ऑन आउट ऑफ कंट्रोल डरा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो तंग कर रहा है। तो अभी जी यहाँ पर इसको अंदर बांधने लगे हैं। तो जी इस टाइम हमारा जो वैरा है वो इस टाइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो जी अभी इस टाइम जो हमारा शेरा है वो इस टाइम अभी भी बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आया, वो अभी भी डरा हुआ है बहुत ज़्यादा और खा भी नहीं रहा अभी, तो अभी डिस्टर्ब है थोड़ा सा। तो अब इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन टाइम ही तो नहीं है पीछे या आज रात आज का दिन है उसके पास, कल ये इंशाल्लाह जो है वो कुर्बान हो जाएगा। तो अभी इस टाइम जो है वो अभी भी डरा हुआ है, तो अब उसको कंट्रोल करने की हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो नहीं हो रहा, हर चीज़ से डर रहा है और देखते हैं। तो जी इस टाइम देखें हमने शेरा के आगे जो है ना उसका खाना उसकी फीट वगैरह रख दी है, लेकिन अभी भी वो नहीं खा रहा है, पता नहीं अभी भी डिस्टर्ब है वो, बस इधर उधर जा रहा है और टांगे जो हैं वो अपनी गंदी कर रहा, बार बार जो हमारे गली का नाला है उसमें जा के गिर रहा है और समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। तो जी इस टाइम बैरे को ना खोलने की कोशिश हो रही है यहाँ पर, और तो इस टाइम वैरा थोड़ा सा ना कंफ्यूज हुआ है, थोड़ा डरा भी हुआ है, तो समझ नहीं आ रही बेटी पीछे। तो जी इस टाइम तैयब ने रस्सी खोल लिया, अब बाइक्स गुजर रही हैं तो उसका इंतज़ार हो रहा है कि कब वो गुजरेंगे और हम इसको जो है वो बांधेंगे। अभी इसको अंदर बांधने लगे क्योंकि बाहर ये बहुत ज़्यादा डर रहा है, तो अंदर रहेगा तो थोड़ा नॉर्मल और ठीक रहेगा, बेटर फील करेगा। तो अभी जी उसकी रस्सी खुल चुकी है और उसको हमारे घर का साथ वाला जो घर है वो फ्री है, वहाँ कोई नहीं रहता, तो हम उसको वहाँ पे बांधने लगे हैं। और ये बिल्कुल देखें कंट्रोल छुड़ाने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से मैं छूट जाऊँ, तो ये जो है वो जा रही है। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह गली में हमारी बहुत ज़्यादा रौनक लगी हुई है, चंदू हमने बाहर बांधा था लेकिन अंदर ले आए, तो शेरा भी अंदर बांध दिया। तो आज का जो व्लॉग है वो यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।